हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले मेटा यूनिवर्सिटी या और उसके साथ में सीआईसी कॉन्सेप्ट के बारे में। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है और ये नई टर्म भी है, तो आप लोगों को ये याद रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत जो पहले है आ चुका था भारत में, या फिर एक नया एजुकेशन कॉन्सेप्ट हम लाना चाहते थे। तो हम अपनी एजुकेशन प्रणाली को ठीक करने के लिए हम मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए और उसके साथ साथ सीआईसी कॉन्सेप्ट लेकर आए। और सीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। तो मेटा यूनिवर्सिटी और सीआईसी कॉन्सेप्ट क्या है, मेटा यूनिवर्सिटी को क्यों लाया गया था, किन इंस्टीट्यूशन ने इसकी स्थापना की, तो इन सब के बारे में आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हर बार जो हम करते हैं, कि मेटा यूनिवर्सिटी क्या है और इसने किसने इसको इनिशिएट किया। तो इसको सबसे पहले जो इसका इनिशिएटिव था कि मेटा यूनिवर्सिटी हमें एस्टेब्लिश करनी चाहिए या इंडिया में मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट जो है उसको फॉलो करना चाहिए, तो उसकी रिकमेंडेशन किसने की थी? यूजीसी ने की थी। आपको ध्यान रखना है यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी अच्छे से बताया भी है, डिटेल में आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जो मेटा यूनिवर्सिटी है, ये कॉन्सेप्ट कब आया आपका? ड्यूरिंग 12th 5-year plan या फिर 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हमने मेटा यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने की कोशिश की। और 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब आई थी? 2012 से 2017 के बीच में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2012 से 2017 के बीच में हम 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी चल रही थी, और उस टाइम हम किसको लेकर आए थे? मेटा यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे हायर एजुकेशन सिस्टम में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मेटा यूनिवर्सिटी को लाने का मेन पर्पस क्या था या मुख्य उद्देश्य इसका क्या था और हम क्यों इसको लागू करना चाहते थे। तो टू शेयर लर्निंग रिसोर्सेज बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बाय यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू अनेबल स्टूडेंट टू बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन। अब इसमें क्या करना था हमें कि एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी तक हमें संसाधनों की पहुंच बनाकर, या फिर एक यूनिवर्सिटी के संसाधन दूसरी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रयोग करके वहां पर, या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो एक यूनिवर्सिटी उसको क्या करेगी, ले लेगी, जिससे क्या होगा, स्टूडेंट का बेनिफिट होगा और लर्निंग रिसोर्सेज जो है वो दोनों इंस्टीट्यूशन में क्या है, अवेलेबल हो जाएंगे। यानी क्या है, ये आपकी ए यूनिवर्सिटी है, ये आपकी बी यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ पे क्या है, आपके कंप्यूटर या फिर डिजिटल जो एजुकेशन है वो काफी अच्छी और बी यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो क्या करेगी बी यूनिवर्सिटी, इससे क्या ले लेगी, डिजिटल टेक्नोलॉजी ले लेगी या फिर कंप्यूटर एजुकेशन उससे लेना शुरू कर देगी। तो इससे क्या होगा, जो बी सेक्टर है आपका, यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है उससे जो स्टूडेंट है उनका काफी डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी को वो सीखेंगे, डिजिटल एजुकेशन को वो सीखेंगे। इसी तरीके से अगर बी आपका इंस्टीट्यूशन है, इसमें क्या है आपका कि यहाँ पर जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो ज्यादा है और इसमें आपके नहीं है, तो यहाँ से प्रोफेशनल कोर्सेज की जो एजुकेशन है वो ए इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर की जाएगी, तो ए इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट है वो क्या है, प्रोफेशनल कोर्सेज को भी सीख सकेंगे। यानी क्या है, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना, रिसोर्सेज का ट्रांसफर करना, ताकि स्टूडेंट का क्या है, दोनों यूनिवर्सिटीज में या फिर जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज है वो एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे, स्टूडेंट का डेवलपमेंट कर सके, उनका जो टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है आपका, मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट कहलाता है, जिसको हम क्या है 12वीं पंचवर्षीय योजना में लेकर आए। 2012 से 2017 के बीच में जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। अब यहां पर देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है। यानी क्या है, ये द्वितीय जो आपकी जनरेशन है, दूसरी जो पीढ़ी है, उसके विश्वविद्यालयों को रिप्रेजेंट करती है, उसके विश्वविद्यालयों को प्रेजेंट करने का काम करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड जनरेशन के जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, आपका मेटा यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अर्थात या फिर हम ये कह सकते हैं फ्री फ्रॉम फिजिकल बाउंड्री। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं रहता है स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए,
एंड एबल टू ऑपरेट इन वर्चुअल स्पेस टेकिंग एडवांटेज ऑफ इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल इन सच डोमेन्स। अब इसमें क्या है कि कोई भी भौतिक सीमा नहीं होती है या फिर कोई भी ऐसे बैरियर्स नहीं होते हैं जिससे क्या है किसी भी एक जो डोमेन है या फिर जो आपका एक स्पेस है या फिर एक जो स्थान है वहां पर क्या है नवाचार को पहुंचाया जा सके। यानी क्या है, क्या प्रोवाइड कराता है आपको, एडवांटेज प्रोवाइड कराता है जिसमें क्या कर सकते, नवाचार को प्रसार प्रचार कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, या फिर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, आप अपने क्या है विचारों का या फिर अपनी टेक्नोलॉजी का एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फिजिकल बाउंड्री जो है वो कोई भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि सारा का सारा जो काम है वो किससे ऑपरेट होता है, आपका वर्चुअल मोड सारा काम किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे मेटा यूनिवर्सिटी जो है उसमें ये पहली यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट था या पहला जो फर्स्ट टाइम अगर इंडिया में हम कहें कि जो हम मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट है, हम दो यूनिवर्सिटी में हमने कोशिश की कि यहाँ पर क्या है इन यूनिवर्सिटीज में हम मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को लागू करके देखें। तो हमने दो यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी चुनी, एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को हमने चुना। यानी क्या है कि दो यूनिवर्सिटीज इंडिया की हमने चुनी, एक डीयू और दूसरी क्या है जामिया मिलिया इस्लामिया, और इन दोनों यूनिवर्सिटीज में हमने मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को लागू किया और उसमें हमने कोर्स स्टार्ट किया 2 साल का, जिसको क्या है ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम कहा गया। यानी क्या है कि सबसे पहले हमने क्या क्या कोशिश की, या फिर हम जैसे सैंपलिंग करते, सैंपलिंग में भी हम क्या करते हैं कुछ सैंपल्स लेते हैं और उसके आधार पर हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, तो सेम यही चीज हमने यहाँ करने की कोशिश की कि हमने कुछ पहले हमने डीयू में ट्राई करने की कोशिश की, फिर हमने जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्राई करने की कोशिश की, दो यूनिवर्सिटीज में हमने कोशिश करने की कोशिश की कि हम मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को लागू करके देखें, और उसमें हमने 2 साल का एक ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब इस ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम ने हमने कौन सा कोर्स स्टार्ट किया, मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। अब ये मास्टर ऑफ मैथमेटिक एजुकेशन जो था वो किसके बराबर था, किसके इक्विवेलेंट था, ये इक्विवेलेंट था एमएससी मैथमेटिक एजुकेशन के। यानी कोई बच्चा अगर एमएससी कर रहा है आपका और वो उसी तरीके से अगर कोई बच्चा मास्टर ऑफ मैथमेटिक एजुकेशन करता है तो वो दोनों बराबर डिग्री मानी जाएगी, और फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2015। और ये कब से लागू किया गया आपका, 2015 से लागू किया गया। तो 2015 से हमने दो इंस्टीट्यूशन में मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट लागू किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, आपको ध्यान रखना है कि 2015 से हमने दो यूनिवर्सिटीज में मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट है वो लागू किया था, एक कौन सा है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और दूसरा क्या है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, आपको ध्यान रखना है। दोनों की दोनों यूनिवर्सिटी कहाँ है, दिल्ली में है। इसके बाद आता है आपका क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, या फिर इसको क्या कहते हैं अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर को अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बोलेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड, अब ये किससे फंडेड है आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है, या इसको जो धन है वो कहां से प्राप्त हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त हो रहा है। इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश अंडर द एजिस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अब इसकी स्थापना किसके संरक्षण में या किसके अंतर्गत होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत होती है, और इसको कब स्थापित किया जाता है, वर्ष 2011 में इसकी स्थापना की जाती है। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में खोला जाता है, उसके एजिस में इसकी स्थापना होती है और वर्ष 2011 में इसकी स्थापना की जाती है। ये फंडेड किससे है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड, आपको ध्यान रखना है। 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है, किसके एजिस में इसकी स्थापना होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एजिस में स्थापना होती है, किस वर्ष इसकी स्थापना होती है, वर्ष 2011 में क्लस्टर इनोवेशन सेंटर या सीआईसी की स्थापना होती है। इंट्रोड्यूस्ड इनोवेशन ऑफ क्रेडिट बेस्ड कोर्स फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया, अब इसमें भारत में पहली बार ऐसे कोर्सेज स्टार्ट किए गए थे जो क्या थे, क्रेडिट बेस्ड थे, और ये कैसे थे, इनोवेशन जो थे या फिर इनोवेटिव जो आपके स्किल्स को डेवलप करता है, इस तरीके के कोर्सेज इसमें स्थापित किए गए थे।
तो ये था आपका सीआईसी, जो क्या है दिल्ली में, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है वर्ष 2011 में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है, और इसमें क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज हैं जो किसके हैं इनोवेशन से रिलेटेड हैं। और इसके बाद हमने आज बात की है हमारे किसके बारे में, मेटा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मेटा यूनिवर्सिटी क्या है, एक यूजीसी के द्वारा रिकमेंड किया गया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी स्थापना क्या है हमने 12 5-year plan में की है। 12 5-year plan जो है आपका वो वर्ष 2012 से 2017 के बीच में था। और इसके बाद ये क्या है आपका सेकेंड जेनरेशन जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए इसकी स्थापना की गई है, यानी उनके डेवलपमेंट के लिए इसकी स्थापना की गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि हम एक यूनिवर्सिटी की जो टेक्नोलॉजी है उसको दूसरी यूनिवर्सिटी में हम क्या करेंगे प्रोवाइड कराएंगे, या फिर उनको एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी को इंटरलिंक करेंगे टेक्नोलॉजी बेस्ड, या फिर जो भी उनके पास रिसोर्सेज है उनके बेसिस पे, जिससे क्या है स्टूडेंट का और भी ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो हो पाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हमने इसकी स्थापना करने की कोशिश की, या मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को क्या है हमने परखने की कोशिश की, तो उसके लिए हमने दो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है भारत के प्रमुख, एक दिल्ली विश्वविद्यालय या दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दूसरा क्या है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में ही है, इन दोनों में हमने कोर्सेज स्टार्ट करने की कोशिश की। और हमने 2015 में पहला कोर्स स्टार्ट किया। 2015 में हमने कौन सा कोर्स स्टार्ट किया, मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन की स्थापना की, जो किसके इक्विवेलेंट थी आपकी एमएससी मैथमेटिक्स के इक्विवेलेंट मानी गई। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट आज हमने जो डिस्कस किया है आपका मेटा यूनिवर्सिटी और सीआईसी, या फिर क्या बोलेंगे इसे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, इन दोनों के बारे में। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और हमारे एचके एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।